गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी की पूजा हो चुकी है और मैंने सारा प्रसाद बना दिया है और पूजा भी कर ली है, मंदिर में भोग भी लगा दिया है। आपके साथ में शेयर नहीं किया क्योंकि जो पूजा पाठ वाली जो वीडियो होती है, माता रानी की वीडियो होती है, बहुत कम लोग पसंद करते हैं देखना, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया और मैंने शूट भी नहीं किया क्योंकि मैंने पीछे कई बार जो भी मंदिर की वीडियो डाली है, पूजा की वीडियो डाली है, कोई भी नहीं देखता। अच्छी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है ना। माता रानी की वीडियो या भगवान की पूजा कर रहे हैं ऐसी वीडियो बहुत कम देखते हैं, इसलिए मैंने नहीं शेयर किया। तो बस अभी प्रसाद बना लिया है सबका, जैसा कि सबके घर में बनता ही है भोग दुर्गाष्टमी में, छोले पूरी और हलवा मैंने भी बनाया है। तो मैंने बनाए हैं छोले पूरी और ये के घर में छोले पूरी हलवा बना होगा क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन सब लोग बनाते हैं और माता जी को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हमें ग्रीन एप्पल की जो चटनी है वो बताना, तो मैं आज आपकी आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये है ग्रीन एप्पल, कुछ इस तरह का होता है ग्रीन एप्पल, देख सकते हैं। ये गोल्डन कलर का होता है जब पूरी तरह से पक जाता है और इसमें थोड़ी सी खटास होती है। तो ये है जी ग्रीन एप्पल, ये मैंने पील कर दिया है। प्याज लिया है, थोड़ा सा हरी मिर्च ली है, ये है पुदीना, बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं लगता है, और सिर्फ नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अब इनको डालेंगे इस मिक्सर जार में। ग्रीन एप्पल जो होता है इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, ये जब पक जाता है पूरी तरह से तो इसका कलर गोल्डन हो जाता है, इसको गोल्डन एप्पल भी बोलते हैं। और इसमें हल्की हल्की खटास होती है जो कि चटनी बनाने के लिए काफी होती है, खट्टी मीठी चटनी होती है। तो बस सिंपल तरीके से बनती है। पहले तो मैं इसको डाल देती हूँ जार में। एप्पल्स और पुदीना को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं भुना हुआ जीरे का पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा नमक, फिर इसको पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने नमक डाल दिया है, इसमें भुना हुआ जीरा डाल दिया है, अब इसको पीस लेंगे मिक्सर। तो देख सकते हैं फ्रेंड, चटनी हमारी पिस चुकी है, तैयार है एकदम खाने के लिए, खट्टी मीठी सी चटनी और बहुत ही यमी लगती है। पराठे के साथ खाओ, पकौड़ों के साथ खाओ, या फिर आप किसी भी स्नैक्स के साथ आपको इसको ले सकते हो। तो बहुत ही झटपट बनने वाली ये जो चटनी है, तो सबने बोला था कि शेयर करना इसकी रेसिपी, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। इसमें हमें तड़का नहीं लगाना है क्योंकि अगर हम इसमें तड़का लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रूट है, फ्रूट में तड़का अच्छा नहीं लगता, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। तो बहुत सारे फ्रेंड ने मुझसे कमेंट करके पिछली वीडियो में ये पूछा था कि ग्रीन एप्पल की जो चटनी है वो शेयर करना, इसीलिए मैंने ग्रीन एप्पल की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर की। तो बस इजी, जल्दी से झटपट तैयार। ये है जी आयु का स्कूल, आज की आयु की पीटीएम खत्म हो चुकी है। बहुत ही ग्रीनरी है इसके स्कूल में, आप देख सकते हैं, अभी काफी ज्यादा धूप है यहाँ पर, और निकलेंगे अभी, देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो आयु का कैसा रहा रिजल्ट? आयु बताना अच्छा। कितने परसेंटेज है? 92। तो चलते हैं बाहर, यहाँ पर है जी रावण बना हुआ। आयु खड़े हो ना, नहीं आ जाओ, चलो जल्दी जाओ, आए नहीं बेटा फोटो, आए नहीं। तो ये है आयु। हाँ तो जी पीटीएम होगी है समाप्त, खत्म, अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ रावण भी बनाया है क्योंकि दशहरा का टाइम है, रावण बनाया है। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ यहाँ की लोकल मार्केट में, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, दशहरा आने वाला है तो उसके लिए, और थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेनी है। तो चलिए अभी मिलते हैं आगे।
कलर का लहंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला साढ़े पाँच सौ का पूरा, 550 का है ये वाला जी। तो गाइस शॉपिंग थोड़ी बहुत हुई है, ज्यादा नहीं हुई है क्योंकि बहुत रश है मार्केट में। तो अभी निकलते हैं सीधा घर में, मिलते हैं। ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और जाते जाते नवरात्रे में आपको, अब दशहरा आने वाला है तो हैप्पी दशहरा। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो दशहरा आ जाएगा। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।